सो वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी के मेरे नए व्लॉग में। जय मिलते जय माता जी, जय द्वारकाधीश। तभी व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। अभी तो सुबह मैंने थोड़ा सा शूट किया, बाकी अभी कंबाइन आने वाला है आज, तो वो व्लॉग बनेगा। बाकी थ्रेसर का तो आज शायद थोड़े से वीडियो क्लिप्स आएगी, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा थ्रेसर में। तो ऐसे आज का व्लॉग बनाएंगे, आज सोचेंगे आज अपलोड करना होगा तो आज अपलोड करेंगे, वरना ये व्लॉग आएगा कल के वीडियो में। तो बस अंत तक वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करते हैं तो आप जो इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स होते हैं वीडियो में वो स्किप हो जाते हैं, तो आपको क्या है इतना अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अंत तक मिलते हैं, पूरे दिन में क्या तो शूट होगा। अभी थ्रेसर और ट्रैक्टर जा रहे हैं वो वाले खेत पर जो वहाँ पर दिख रहा है, एक वो है एक दूसरा खेत है, दो खेत बाकी हैं अभी। और अभी कंबाइन जो सामने खड़ी है आपको दिख रहा है वो आने वाली है हमारे खेत में आज, तो वीडियो शूट होगा वो। और बाकी ये जीरा भी ये निकला है, इतना अभी दो खेत का आएगा, फिर इसको सुखाना पड़ेगा क्योंकि फिर अब उसमें क्या बाट लग जाती है, वो जो फंगस है वो। अब ये जो सामने गेहूं हमने पहले यहाँ पर काटे थे वो भी गेहूं के ऊपर रख दिए हैं, ताकि कंबाइन आए तो इसके ऊपर डायरेक्ट से ले ले। तो अभी ऊपर ही डाले हैं, सब कुछ बिछा दिए हैं, मतलब कि अभी बस जस्ट रास्ते पे ही है, कंबाइन आने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पर पास में ही थी तो हमें पता था कब आएगी। और जीरा भी एक साथ वहाँ पर उस तरफ निकल रहे हैं, आपको कहा था मैंने आगे वीडियो में, क्योंकि सब काम एक साथ ही अब तो होने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो गेहूँ डालने होंगे तो बिछाने के लिए नीचे जो ये तल पर है, हम तो गुजरे थे में इसको बुंगण बोलते हैं, तो ये नीचे बिछाने होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा गेहूँ भी नहीं होंगे, क्योंकि एक खेती काटना है अभी। तो अभी तो बिछाएंगे, फिर डालने में कोई बाद में कोई परेशानी ना हो जल्दी जल्दी में। हटी जाइ तो ये आगे का जो है कटर बार वो जोत लिया है, वैसे अभी बस डीजल डाल रहे हैं। तो यह है उनकी ही महिंद्रा थार, तो उसमें ऐसे डीजल कंबाइन में डाल रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। जो यहाँ पर पीछे टंकी है ये थार में जो है, ये ओल्ड मॉडल है थार का साइड, तो यहाँ से डायरेक्ट डीजल जाता है ऊपर जो हैंड पंप है इसलिए। तो अभी फिर चालू हो गई कंबाइन, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, उसमें कोई वॉइस ओवर तो मेरा नहीं होगा, तो
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो भाई गेहूँ निकल चुके हैं हमारे। मैं यहाँ पर नहीं था, घर पर ये भैया ने ब्लॉग शूट किया था। और ये इतने गेहूँ हैं, और कंबाइन वैसे अच्छा है क्योंकि इसमें गेहूँ में ये थोड़ा सा कम है, वरना कुछ कुछ कंबाइन्स में हार्वेस्टर में क्या होता है, ये जो पुतला बोलते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो वैसे अच्छा था कंबाइन, क्योंकि यहाँ पर पास में आया था तो हमने निकल लिया, क्योंकि खेत था एकदम छोटा सा, तो यहाँ पर किसी का आते जाते निकलते जाए ऐसा सोचा था। और वहाँ पर भी एक भाई के खेत में आया है, अब सब गेहूँ निकाल रहे हैं धीरे धीरे। बाकी जीरा भी काम आज ख़त्म हो चुका है, जो बाकी है तो वो तो यहाँ पर ये इतना रखा है वो बाकी है, वो वाले खेत में थोड़ा सा बाकी है जो आज ही निकाला था, और वो वाले मंदिर वाले खेत में थोड़ा सा बाकी है, फिर जीरा का काम ख़त्म। इतना जीरा हुआ है और अभी और थोड़ा सा होगा शायद वो अलग से। अभी तो चाचा गए हैं ट्रैक्टर लेके खेत में चलाने के लिए, क्योंकि अभी जो ट्रैक्टर का जो काम है वो चालू हो ही गया है ट्रैक्टर का, फिर मूंग लगाने हैं तो वो सब काम अभी थोड़ा सा जल्दी करना होगा, फिर पानी पिलाने में थोड़ी सी देर ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए ट्रैक्टर का काम जल्दी से हो तो बाद में कोई दिक्कत ना आए। जीरे की फसल यहाँ पर पड़ी है, गेहूँ के यहाँ पर जो रूटिंग का काम है शाम का वो हो रहा है, और खेत अभी खाली दिखने लगे हैं। एक वो वाला जो खेत है उसमें बीच बीच में है, और चाचा अभी गए हैं ठीक सामने वो जेस पे का घर है उसके बाजू में जीना निकाल दिया था, तो ट्रैक्टर वहाँ पर चलाने के लिए गए हैं। और वहाँ पर थोड़े से कुंजुए भी ऑलरेडी बचे हुए थे तो वो ट्रॉली में भर कर यहाँ पर डाल दिए थे, और बाकी एक वो वाले मंदिर वाले खेत में कुंजवे हैं, दो खेत में, दो तीन खेत के, फिर जीरे का काम पूरा कल या परसों निकाल देंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, आज के व्लॉग में तो कंबाइन का था, हार्वेस्टर का वो आ गया है, और ऐसा नहीं है कि अभी ये लास्ट वीडियो कंबाइन का होगा, अभी दो खेत हमारे जो है गेहूँ है उसमें, तो वो अभी हार्वेस्टर आएगा ही, फिर एक खेत तो वो आपको मैंने आगे व्लॉग में दिखाया था, मैं और दीपक गए थे जहाँ पर हम भाग पे दे देते हैं, वो खेत हम नहीं रखते क्योंकि यहाँ से वो 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ पर भी गेहूँ है तो वो तो वीडियो आएगा या फिर नहीं, वहाँ पर तो मुझे जाने का कम होता है, पापा वो जाते हैं जब भी निकलते हैं फसल निकलती है तब, मैं तो कभी कभी जाता हूँ वहाँ पर घूमने के लिए, तो वो व्लॉग अभी तो अभी आएंगे, फिर ट्रैक्टर का आगे आगे व्लॉग बनता जाएगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जवान जय किसान जय भारत, जय हिंद।